मिट्टी और मिट्टी की तासीर को बखूबी समझते हैं मिल्खा सिंह औलख। अपने करियर के 37 साल मिल्खा सिंह औलख ने मिट्टी के पोषण को समझा जाना और पूरी दुनिया में मिट्टी के पोषण पर अपनी थ्योरी दी। उर्वरकों की खेती में कितनी मात्रा देनी है, कौन सा उर्वरक प्रकृति के लिए लाभदायक है और कौन सा नुकसान दे, इसकी गणना करने और परिणाम तक पहुंचने के लिए मिल्खा सिंह औलख ने अपनी जिंदगी लगा दी। मिल्खा सिंह औलख हिंदुस्तान के उन गिने चुने वैज्ञानिकों में हैं, जिन्होंने न सिर्फ हिंदुस्तान का बल्कि साउथ एशिया का पूरी दुनिया में प्रतिनिधित्व किया। मिल्खा सिंह औलख दुनिया के उन 27 वैज्ञानिकों में शुमार थे जो इंटर गवर्नमेंटल टेक्निकल पैनल थे और भारत और साउथ एशिया की तरफ से इकलौते थे। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ये यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन की एक प्राइम विंग है जो एग्रीकल्चर और फूड के साथ काम करता है, और दुनिया भर के जितने यूनाइटेड नेशन के मेंबर हैं कंट्री, वो इसके भी मेंबर हैं। तो वो जो मेंबर कंट्री हैं, वो सभी उनके रिप्रेजेंटेटिव मिलके सारी दुनिया के लिए फूड और एग्रीकल्चर के लिए जो नए की पॉलिसी बननी चाहिए, कैसे दुनिया में जो है कृषि का काम जो है उसको बढ़ाया जा सके, सस्टेनेबल किया जा सके, ताकि किसी भी कोने में किसी भी इंसान को ये ना हो कि फूड ना मिलने के कारण कोई आफत आए या कोई काल पड़े, तो उसके बारे में ये काम करते हैं। तो इसी तरह उन्होंने 3 साल पहले एक पैनल बनाया है जिसका नाम है इंटर गवर्नमेंटल टेक्निकल पैनल ऑन सॉइल्स। तो उसके 27 जो सॉइल साइंटिस्ट थे दुनिया के, जो अपने अपने एरिए में एक्सपर्ट माने जाते हैं, वो उन्होंने 27 जो थे वो सिलेक्ट किए, जिसमें एक मैं था। मैंने सिर्फ इंडिया नहीं, पूरे साउथ एशिया को वहाँ रिप्रेजेंट किया। पूरी दुनिया में कितनी तरह की मिट्टी है और खेती के लिए मिट्टी के माध्यम से किन किन तरह की मुश्किलें आती हैं और उसके साथ कौन सी चुनौतियां हैं, इसको लेकर खूब काम हुआ। लेकिन 3-4 साल पहले तक इस बारे में कोई पुख्ता जानकारी के लिए डॉक्यूमेंट नहीं थे। लेकिन साल 2015 में दुनिया के 160 वैज्ञानिकों ने डाटा इकट्ठा किया और 660 पेज की एक रिपोर्ट सौंपी, जो मिट्टी के लिए एक बड़ा रिपोर्ट कार्ड साबित हुई। तो उस पैनल ने, टेक्निकल पैनल ने पहले 2 साल जो काम किया उसके बारे में 2 मिनट में आपको बताना चाहता हूँ कि अभी तक कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें ये पता चले कि सारे दुनिया के जो सॉयल रिसोर्सेज हैं वो क्या क्या है और सॉयल की मुसीबतें क्या है, मैं उसकी प्रॉब्लम क्या है, चैलेंजेस क्या है, उसकी बेस्ट मैनेजमेंट कैसे हो सकती है। तो उसको करने के लिए ये आईटी पैनल ने एक पहली रिपोर्ट छापी है जिसका नाम वर्ल्ड सॉयल रिसोर्सेज है, जिसको दिसंबर 2015 में, जब ये इंटरनेशनल सॉयल ईयर था, तो उसमें उसको लॉन्च किया है। तो ये जो रिपोर्ट है 660 पेज की है, जिसमें दुनिया के 160 साल साइंटिस्ट जो उन्होंने मिल के सारा डाटा इकट्ठा किया और उसको अलग अलग देशों से अपनी कंट्रीब्यूशन देके पब्लिश किया है, और उसमें मैं भी एक ऑथर हूँ। सस्टेनेबल तरीके से सॉयल को मैनेज करने के लिए FAO ने 5 पिलर की व्यवस्था की और वर्ल्ड सॉयल पैनल बनाया, जिसके मिल्खा सिंह औलख चेयरमैन थे। मिट्टी का मैनेजमेंट हो सके, उसमें सही पोषण हो, खाद और उर्वरकों की सही मात्रा पहुंच सके, ताकि अनाज के उत्पादन में दुनिया के किसी भी कोने को परेशानी ना उठानी पड़े, इस बड़ी जिम्मेदारी को मिल्खा सिंह औलख ने अपने कंधों पर उठाया और ना सिर्फ देश बल्कि दुनिया की कृषि को नए आयाम तक पहुंचाया। वर्ल्ड लेवल पर, एक देश के लेवल पर और एक स्टेट के लेवल पर, जहाँ इंडिविजुअल यूनिवर्सिटी कॉलेजों के और किसानों के लेवल पर होना चाहिए, वो उसको 35 सालों में जो नई साइंस की तरक्की हो चुकी थी, नई मुसीबतें आ चुकी थी, नए चैलेंज थे, उसको देखते हुए उसको रिवाइज करना था। तो आईटी पैनल ने एक नया पैनल बनाया जो वर्ल्ड सॉयल चार्टर को रिवाइज करे, और उस पैनल का चेयरमैन मैं था। उसको हमने 2 साल के अंदर पूरे सब लोगों के व्यू लेके जो लेटेस्ट चैलेंजेस थे उसको इकट्ठा करके उसको रिवाइज किया, जो FAO ने अपने जनरल असेंबली में उसको अडॉप्ट करके सारी दुनिया में लागू किया है। इसी तरह जो
سوائل کے ریلیشن میں جو نئے کام ہونے چاہیے اس کے بارے میں پانچ جو تھے پلر تیار کیے گئے کہ کیا کیا دنیا میں کام سوائل کو مینجمنٹ سسٹینیبل سوائل مینجمنٹ کرنے کے لیے کیا کیا کام کی ضرورت ہے، جس میں ایک پلر ریسرچ پر ہے، ایک ایگریکلچر ایجوکیشن پر ہے، ایک اس کی ایکسٹینشن پر ہے کہ کسانوں پر تیس کیسے پہنچے، اور نئے میتھڈ ٹیکنالوجی کیسے ڈیولپ کی جائے. ایسے وہ پانچ پلر جو ہیں وہ تیار کر کے ان کو اپروو کیا جو ایف اے او نے لاگو کیا ہے. دیش میں سلفر کو لے کر کسانوں کے بیچ بالکل جاگرکتا نہیں ہے. سلفر ایک ایسا تتو ہے جو پودوں کے لیے ضروری ہے، لیکن ضرورت سے زیادہ سلفر پودوں کے لیے اتنا ہی گھاتک بھی ہے. ایسے ہی فاسفورس ہے. کسان فاسفورس ارورکوں کا پریوگ ہر سال کرتا ہے، لیکن ویگیانکوں کی ریکمنڈیشن کہتی ہے کہ اگر سردیوں میں فصل کو فاسفورس دے دیا گیا تو پھر گرمیوں میں کھیتوں میں فاسفورس دینے کی ضرورت نہیں. جو ہر سال گرمی اور سردیوں کی فصلوں کی سفارشوں کی کتابیں چھاپتی ہیں اس کے اندر میری 12 ریکمنڈیشن ہے، 12 سفارشیں ہیں، جس میں موٹا موٹا کام یہ ہے جو کسانوں کے اور بعد میں پورے دیش میں وہ کام آیا، جو سلفر کی ڈیفیشنسی ہے گندک کی وہ زمین میں ہوتی ہے، جس کے کارن جو اس کے اوپر اگانے والی جتنی فصلیں اس کے اندر بھی اس کی ڈیفیشنسی ہوتی ہے، کمی ہوتی ہے، اور وہ اگر وہ کمی والا اناج کھایا جاتا تو اس کے کارن انسانوں کو اور پشوؤں کو کیا کیا مشکلیں آتی ہیں. دوسرا فاسفورس کی کھادیں ہیں، یہ ہم گرمیوں کی فصلوں کو بھی پہلے سفارش کرتے تھے، سردیوں کی فصلوں میں بھی، لیکن یہ جو فاسفورس کی کھاد ہوتی ہے، رسائنک کھادوں کی میں بات کر رہا ہوں، جب یہ ڈالی جاتی ہے پودے اس کو لے نہیں پاتے تو یہ زمین میں پڑی رہتی ہے. تو ہم نے یہ سفارش کی کہ اگر سردیوں کی فصلوں کو آپ نے پوری ماترا میں فاسفورس فرٹیلائزر دی ہوئی ہے تو گرمیوں کی فصلوں کو دینے کی ضرورت نہیں ہے، وہی فاسفورس جو ہے پودے لے سکتے ہیں. کھیتوں میں اگائی جانے والی فصلیں بھی گلوبل وارمنگ کے لیے خطرہ پیدا کر سکتی ہیں. اس کی پریکلپنا سب سے پہلے ملکھا سنگھ اولکھ نے دی تھی. ملکھا سنگھ اولکھ پہلے ایسے ویگیانک تھے جنہوں نے دیش میں گرین ہاؤس گیسز کی پریوگ شالا کو ستھاپت کیا تھا. کھیتوں میں اگائی جانے والی فصلیں بھی گلوبل وارمنگ کے لیے خطرہ پیدا کر سکتی ہیں. اس کی پریکلپنا سب سے پہلے ملکھا سنگھ اولکھ نے دی تھی. ملکھا سنگھ اولکھ پہلے ایسے ویگیانک تھے جنہوں نے دیش میں گرین ہاؤس گیسز کی پریوگ شالا کو ستھاپت کیا تھا. یہ اس دور کی بات ہے جب گلوبل وارمنگ کے بارے میں پوری دنیا میں ہی بے حد کم جاگرکتا تھی. مشن آف گرین ہاؤس گیسز فرام ایگریکلچر فیلڈ، وہ لیبارٹری اسٹیبلش کی میں نے، اور اس میں یہ نائٹریٹ کے علاوہ یہ بھی دکھایا کہ نائٹرس آکسائڈ ہے، میتھین گیس ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ ہے، جو کھیتوں سے چاولوں کے اور گرمیوں کی فصلوں کے دوران نکلتی ہے، جس کو ہم فرٹیلائزر دیتے ہیں، زیادہ پانی ہوتا ہے اور وہ نکل کے وہ پردوشن کرتی ہے، پورے گلوب کا جو ٹیمپریچر ہے وہ بڑھا رہی ہے، گلوبل وارمنگ کرتی ہے، اور جو نائٹرس آکسائڈ ہے وہ جو اوپر سٹیٹوسفیئر میں ایک اوزون لیئر ہوتی ہے اس کو ڈسٹرائے کرتی ہے. اوزون لیئر جو ہے وہ بہت بیماریوں سے منختہ کو اور پشوؤں کو بچاتی ہے، اور خاص کر کے اگر وہ اس کی ڈسٹرکشن ہو جائے تو وہ جو ہے ریز جو ہے یو وی ریز جس کو کہتے ہیں الٹرا وائلٹ ریز، وہ نیچے آ کے اسکن کینسر کرتی ہے، آنکھوں کی بیماری کرتی ہے، اور ایسے کر کے کئی اس کے بھیانک بیماریاں لگتی ہیں جو اوزون لیئر ڈسٹرکشن سے ہو رہی ہیں، اور اس میں نائٹرس آکسائڈ گیس کا بہت بڑا رول ہے. تو یہ سارا کچھ جو تھا ہمارے گروپ نے پہلی بار انڈیا میں فرسٹ رپورٹ جو ہے پریزنٹ کی تھی. ملکھا سنگھ اولکھ کا جنم پنجاب کے امرتسر ضلع کے ایک چھوٹے سے گاؤں اٹاری میں ہوا تھا. بے حد سادھارن کسان پریوار میں جنمے ملکھا سنگھ بچپن سے ہی ولکشن پرتیبھا کے دھنی تھے. پرارمبھک شکشا گاؤں میں ہی ہوئی، لیکن شروعات سے ہی پڑھائی میں رچی ہونے کے لیے
घर वालों ने कभी मिल्खा को आगे की पढ़ाई के लिए रोका नहीं। अमृतसर के खालसा कॉलेज से मिल्खा सिंह औलख ने बीएससी कृषि की पढ़ाई की। पढ़ाई के दौरान वो अपने घर में खेती किसानी के काम में हाथ बटाते थे, लेकिन इतना सब होने के बाद भी पढ़ाई के प्रति उनका ध्यान नहीं भटका और हमेशा अव्वल आए। साल 1974 में मिल्खा सिंह औलख ने पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से एमएससी की डिग्री हासिल की। उसके बाद कैनेडियन कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप के जरिए 1983 में औलख पीएचडी के लिए कनाडा चले गए। इसके बाद तो मिल्खा सिंह औलख के कदम रुके ही नहीं। दुनिया के तमाम देशों में अपनी काबिलियत का लोहा मनवा चुके मिल्खा सिंह औलख को विदेश में नौकरी के ढेरों ऑफर आए, लेकिन अपनी मिट्टी की खुशबू मिल्खा को भारत खींच ही लाती थी। दुनिया के तमाम बड़े संस्थानों से अनुभव लेकर लौटे मिल्खा की समझ का कोई सानी नहीं था। हिंदुस्तान में मिल्खा की अलग ही पहचान थी। मिल्खा सिंह ने फसलों के लिए संतुलित पोषण का जो फार्मूला दिया और मृदा में पोषण के रखरखाव पर जो थ्योरी किसानों को सिखाई, उसने खेतों की रूपरेखा ही बदल दी। क्योंकि खेतों से उत्पादन लेना अलग बात है और उत्पादन लेने के साथ साथ मिट्टी के स्वास्थ्य का ख्याल रखना अलग बात। मिल्खा सिंह औलख को इसी में महारत हासिल थी। मिल्खा सिंह औलख को जो लोग भी जानते हैं वो उनकी विशेषज्ञता के कायल हैं। डॉक्टर औलख का योगदान सॉइल फर्टिलिटी और फर्टिलाइजर यूज रिसर्च में, जिसे हम कहेंगे मिट्टी की उर्वरा शक्ति जांचने में और उर्वरक प्रबंधन के क्षेत्र में, बहुत अच्छा योगदान उनका रहा है। उन्होंने बड़े मौलिक रिसर्च की है उस क्षेत्र में। और इस देश में जब शुरू शुरू में जलवायु परिवर्तन की बात शुरू भी नहीं हुई थी आप कह लो, तब जो ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन, क्या क्या ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन, पर्टिकुलर नाइट्रस ऑक्साइड एमिशंस एग्रीकल्चर से कैसे होता है, उर्वरक उर्वरकों के संतुलित इस्तेमाल से उसको कैसे कम किया जा सकता है सॉइल पोल्यूशन के एरिया में, उनमें डॉक्टर औलख का उस टाइम का रिसर्च है, जिससे बहुत सारे लोगों ने प्रेरणा की ली और बाद में उस पर काम शुरू हुआ। मिल्खा सिंह औलख को जो जिम्मेदारी मिली उसे उन्होंने बखूबी अदा किया। धुन के पक्के मिल्खा सिंह औलख को उत्तर प्रदेश सरकार ने काशीराम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के कुलपति की जिम्मेदारी दी। एक नए विश्वविद्यालय को मिल्खा सिंह औलख ने अपने दम पर खड़ा किया। इस दौरान उन्होंने कई क्रांतिकारी बदलाव लाए जो आगे चलकर मील का पत्थर साबित हुए। इसी दौरान मिल्खा सिंह औलख ने एक नई शुरुआत की। मिल्खा सिंह औलख ने देश की कृषि में बच्चों की सहभागिता को बढ़ाने के लिए एक फार्मूला दिया जो ग्रामीण परिवेश से है, जिन्होंने बचपन से खेती को देखा है, खेतों में काम किया है, कृषि की शिक्षा है, तो ये स्कूल से ही शुरू होनी चाहिए। और ख़ास करके जो गांव के स्कूल हैं उसमें ये कृषि शिक्षा का एक विषय होना चाहिए। और जो गांव के बच्चे हैं, क्योंकि वो कृषि के साथ जुड़े होते हैं, जब वो शिक्षा पढ़ेंगे, अगर वो आगे ना भी पढ़ पाए तो तब भी वो खेती में अच्छे कोई टेक्निक्स और शिक्षा लेके अच्छी खेती कर सकते हैं। अगर वो आगे पढ़ना चाहिए तो कृषि विश्वविद्यालय जो है, जहाँ बीएससी एग्रीकल्चर की जो शिक्षा है, उसमें गांव के बच्चों जो है वो ज़्यादा अच्छी तरह कामयाब हो सकते हैं। पढ़ने के बाद वो वापस किसानों के साथ कंधे से कंधा मिला के काम कर सकते हैं। प्रयोगशाला से खेतों के बीच की दूरी मिटनी चाहिए। वैज्ञानिकों की मेहनत कागजों तक आ रही है, लेकिन वो खेतों तक नहीं पहुंच पा रही है, और इसकी बड़ी वजह है प्रचार और प्रसार। ऐसी बहुत सी बातें हैं जो सालों पहले खोज ली गई, लेकिन उनसे किसान आज भी अनभिज्ञ है। प्रयोगशाला से खेतों के बीच की दूरी मिटनी चाहिए। वैज्ञानिकों की मेहनत कागजों तक आ रही है, लेकिन वो खेतों तक नहीं पहुंच पा रही है।
और इसकी बड़ी वजह है प्रचार और प्रसार। ऐसी बहुत सी बातें हैं जो सालों पहले खोज ली गई, लेकिन उनसे किसान आज भी अनभिज्ञ है। खोज में हम काम कर रहे हैं, उसका जो पूरा जो उसके प्रैक्टिकल रिजल्ट्स हैं, फाइंडिंग्स हैं, उसका पूरा फायदा जो है किसानों को नहीं हो रहा, तो वो करवाने के लिए जो हमारा प्रसार वाला विभाग होते हैं, जैसे स्टेट गवर्नमेंट के एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है, सॉइल कंजर्वेशन का है, उनको वो जो विश्वविद्यालयों के वैज्ञानियों द्वारा जो खोज की गई है उसका पूरा लाभ देने के लिए वो जो खोज के रिजल्ट हैं वो किसानों तक अच्छी तरह पहुँचाने चाहिए। और फिर किसानों को भी ये चाहिए कि जो हमारी सिफारिशें हैं जैसे फर्टिलाइज़र की है, तो जितनी सिफारिश की है उतनी ही डालनी चाहिए। जितनी दवाइयाँ हम किसी कीड़े के लिए, बीमारों के लिए सिफारिश करते हैं जो साइंसदान, उतनी ही वरतनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं वरतनी चाहिए। ज़्यादा वरतोगे तो वो जहर भी फैलेगा और नुकसानदेह भी हो सकती हैं। ये दवाइयाँ उसी तरह हैं जैसे एक आदमी को डॉक्टर दवाई देता है तो वो जितनी गोली कहता है उतनी गोली खानी चाहिए। ज़्यादा गोली खाओगे तो वो जहर बन के उसको उल्टा नुकसान भी कर सकती है, मार भी सकती है। और वही कुछ हमारे पौधों को और जानवरों को होता है। अगर हम ज़रूरत से ज़्यादा उनको फर्टिलाइज़र डालते हैं, जहाँ ज़रूरत से ज़्यादा कीड़े कीटनाशक दवाइयाँ जो वो डालते हैं, तो ये किसानों के लिए बहुत ज़रूरी है कि जो टेक्नोलॉजी है उसका जैसे सिफारिश हो वैसे की वैसे ही उसको वो फॉलो करें और उसका फ़ायदा उठाएं। अनाज उत्पादन को लेकर ही हमारे देश में जो हालात हैं वो किसी से छिपे हुए नहीं हैं। हर साल हम लाखों टन अनाज का उत्पादन करते हैं, लेकिन अनाज के उत्पादन के साथ साथ उसके रख रखाव की व्यवस्था पर हमारे देश में काफी कम ध्यान दिया जाता है। संदेशा देना चाहूँगा कि जो अनाज पैदा हो जाता है उसको सरकारी एजेंसियाँ खरीदती हैं, जैसे चावल है, गेहूँ है, तो उसकी जो स्टोरेज है वो ठीक तरीके से नहीं हो रही। पंजाब हरियाणा में अगर आप कभी भी चक्कर लगा के देखें तो गेहूँ और चावलों के जो गोदाम हैं उनमें अनाज ऐसे सड़ जल रहा होता है, वो इंसान तो क्या उसको पशु के भी खाने के लायक नहीं रहता। तो वो जो नई उत्पादन बढ़ाने के और उससे अगर जो उत्पादन हो चुका है उसको अच्छी तरह स्टोर किया जाए तो नए उत्पादन बढ़ाने से वो आसान भी है और कम खर्चा आएगा। और वैसे भी जैसे कुदरत की एक लिमिट होती है, खेतों में अनाज जो बढ़ाना है टेक्नोलॉजी है वो आने में टाइम लगता है, और जो बढ़ जाती है उसको अगर हम संभाल के ना रखें और वो इंसानों के काम ना सके तो उसका बहुत नुकसान होता है। तो इसके बारे में मैं जब 1979 में भी कनाडा अपनी पीएचडी करने गया था तो मैंने देखा उस टाइम भी वहाँ उन देशों में ग्रेन स्टोरेज सिलो थे, और ये सिलो में जो किसान है वो हार्वेस्ट करते कंबाइन के बाद गेहूँ सीधे के सीधा उसके अंदर डाल देते हैं। और वहाँ मैंने देखा कि 5 साल बाद भी वो गेहूँ उसे निकालो तो आपको ऐसे लगता है जैसे अभी खेत से वो गेहूँ आया हो। तो वो टेक्नोलॉजी जो 50 साल पहले वहाँ उपलब्ध थी हमारे देश ने अभी तक भी उसको अपनाया नहीं है। तो ये बहुत एक मंदभागी बात है कि हम पॉपुलेशन बढ़ रही है, अनाज की ज़रूरत है, अनाज की प्रोडक्शन भी बढ़ रही है, लेकिन उसकी ठीक तरीके से उसकी स्टोरेज जो है वो नहीं हो रही ताकि वो लोगों के किसानों के काम आ सके। और इसके बाद मैंने ये भी देखा जब वो ट्रेन में ट्रांसपोर्ट होती है, तो मैं वहाँ जब यूपी में बांदा में था तो वहाँ पंजाब से गेहूँ आता था, चावल आता था, तो सब रेलवे ट्रैक पर उसको पड़ा रहता था। कई कई दिन बारिश पड़ जाती थी, पशु गायें आती थी उनकी बोरियाँ काट देती थी, रेलवे ट्रैक पर वो बिखरी रहती थी। तो मेरे पास ऐसी कुछ खबरें भी हैं, फोटो भी हैं जो मैंने खुद अपनी आँखों से देखी है। तो वो भी मेरे को दुख होता था कि देखो ये जो अनाज है ये किसी इंसान के मुँह में जाना चाहिए जो इतनी दूर से पैदा किसान ने किया और यहाँ पहुँचा और उसकी संभाल नहीं हो रही। तो ये दो चार बातें हैं जिसको प्रैक्टिकली अपनाया जा सकता है और उसका पूरे देश को बहुत फायदा हो सकता है। मिल्खा सिंह औलख को देश और दुनिया में कई सम्मान और अवार्ड से नवाजा गया। हिंदुस्तान के प्रतिष्ठित अवार्ड से लेकर दुनिया की तमाम संस्थाओं ने मिल्खा सिंह औलख को एक अलग पहचान दी। मिल्खा सिंह औलख को 1990 में यूएसए की सल्फर इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट सल्फर रिसर्च अवार्ड से नवाजा गया।
साल 2001 में पेरिस की इंटरनेशनल फर्टिलाइजर इंडस्ट्री एसोसिएशन की तरफ से नॉर्मन बोरलॉग अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन क्रॉप न्यूट्रिशन रिसर्च दिया गया। वाशिंगटन डीसी में TSI है, दी सल्फर इंस्टीट्यूट उसको कहते हैं, तो उसने प्लांट न्यूट्रिशन सल्फर पर अवार्ड एस्टेब्लिश किया, वो सबसे पहले हमारे ग्रुप को मिला। वो इसी तरह ये जो फास्फोरस की मैंने बात की है, वर्ल्ड फास्फेट इंस्टीट्यूट मोरक्को में है, क्योंकि मोरक्को में फास्फेट फर्टिलाइज़र दुनिया से सबसे पहले और सबसे ज़्यादा तादाद में पैदा होता है, तो वहाँ से वो उसको सारी दुनिया में एक्सपोर्ट करते हैं। तो वो जो वर्ल्ड फास्फेट इंस्टीट्यूट है, उसका अवार्ड हमारे ग्रुप को मिला, सबसे पहला अवार्ड ही। इसी तरह अमेरिका में नया एक इंटरनेशनल प्लांट न्यूट्रिशन इंस्टीट्यूट बना, तो 2007 में 6 में ये बना इंस्टीट्यूट, और इन्होंने पहला एक साइंस अवार्ड जो था इस्टेब्लिश किया, जिसमें $5,000 की राशि भी थी और साइटेशन भी थी। वो सबसे पहला अवार्ड मेरे को मिला, और जो इंडिया में भी पहला था और सारी दुनिया में भी पहला था। मिल्खा सिंह औलख का छोटा सा परिवार है, दो बेटियां हैं और एक बेटा है। किसानों के इस महानायक की जिंदगी किताबों के इर्द गिर्द ही रही। 25 से ज्यादा देशों में रहकर औलख ने इस मिट्टी पर कई शोध किए, कई किताबें लिखी, तकरीबन 300 के पार राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रिसर्च पेपर पब्लिश किए। इन पेपर्स और किताबों में औलख ने अपनी जिंदगी भर की मेहनत को शब्दों में बांधा, जो आज और आने वाले कल के लिए इस देश और दुनिया के किसानों के लिए किसी ग्रंथ से कम नहीं। किसानों के इस महानायक के त्याग को कोई भले याद करे या ना करे, लेकिन इस देश का किसान जरूर हमेशा याद रखेगा। जो चाहा, जो सपने देखे, सब कुछ कदमों में लाकर खड़ा कर दिया, किस्मत से नहीं अपने कर्म से। इसी भुखमरी को मिटाने के लिए रामबदन सिंह ने अपनी जिंदगी के ज्यादातर सालों को झोंक दिया। अपने कार्यकाल के दौरान देश में कई उच्च उत्पादकता वाली किस्मों को रामबदन सिंह ने खेतों तक लाया और खेतों से किसानों तक पहुंचाया। उनके इसी योगदान को देखते हुए देश की सरकार ने उन्हें साल 2003 में सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया।